गाइस, FCI पंजाब वालों का एडमिट कार्ड भी जो है आ चुका है। जी हाँ, उनका जो है एक्टिव स्टेटस लिंक जो है आ चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्लिक करके। पंजाब वाले जिनकी 860 पोस्ट थी और पिछले 8 महीने से वेट कर रहे थे और कंटिन्यू मेरे पास कमेंट आ रही थी कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आ गया है। प्लीज़ लॉग इन टू सी द स्टेटस ऑफ योर एडमिट कार्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 पंजाब। जी हाँ, 11 अक्टूबर से 10 नवंबर को जो है इनके जो है फॉर्म जो है फिलअप करे गए थे और ये बेचारे 8 महीने से जो है परेशान थे कि एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा। जो फीस जो इन्होंने पे करी थी वो कहीं बेकार तो नहीं चली जाएगी, लेकिन इन्होंने जो है अपनी उम्मीद नहीं खोई। मैं तो खैर उम्मीद ही खो चुकी थी कि एग्ज़ाम भी होगा, क्योंकि मैंने जब मेल करा तो वहाँ पर कोई मेल का जो है रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन आप लोगों ने उम्मीद नहीं कोई, उसके लिए गाइस आपको सलूट ऑफ यू, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को जो है आपकी हिम्मत के लिए जो है दाग देती हूँ। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो गाइस आपकी हार ही नहीं हुई। अब जो है आप जो है अपने इस स्टेटस को लेकर जो है लॉगिन कर लीजिए। और जो है एडमिट कार्ड का भी बताती हूँ मैं गाइस साथ के साथ, आपको जो है ये लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको गाइस यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, यहाँ पर अपने पासवर्ड डालकर और ये आपके मोबाइल में अलग कैप्चा कोड होगा, इसको डालकर जो है एंटर कैप्चा पर जाकर यहाँ पर लॉगिन हियर पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपका जो स्टेटस एक्टिव लिंक है ये जो है आपके सामने जो है ओपन होकर आ जाएगा। अब एडमिट कार्ड का भी जो है बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आएगा कि किस डेट को जो है आपका जो है एडमिट कार्ड जो है आएगा, मतलब किस डेट को जो है एग्ज़ाम आपका होगा। और इतने पे भी अगर आपको अपना एक्टिव स्टेटस नहीं दिखता है तो आपको जो है आपको नहीं पता आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जो है ID है इसको जो है गाइस फॉरगेट कर देना। जैसे ही आप गाइस इसे फॉरगेट करेंगे तो आपके सामने ये आएगा। तो यहाँ पर आप जिस फ़ोन नंबर को चलाते हैं उस फ़ोन नंबर को एंटर कर देना, यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देना जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त डाली थी, और यहाँ पे जो है गेट रजिस्ट्रेशन ID पर आप क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन ID जो है मिल जाएगी। और जिनको नहीं पता है उनका पासवर्ड क्या है, रजिस्ट्रेशन ID का पता है, तो गाइस वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पे जो है फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसीजर आपको अपनाना है। अब की बार आपको अपना यहाँ फ़ोन नंबर डालकर जो आपने फॉर्म में फिलअप करा था या जो आपका एक्टिव फ़ोन चलता है और यहाँ पे जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी चलती है उसे डालकर, ताकि आपके जो है फ़ोन पर तुरंत जो है SMS आ सके, आपकी ईमेल आईडी पर SMS आ सके, आपको जो है यहाँ पे रिसेट पासवर्ड कर देना है। इतना करोगे तो आपको जो है एक न्यू पासवर्ड जो है गाइस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम की। तो गाइस देखिए, एक्टिव स्टेटस लिंक जो है आ गया है। अब 15 दिन बाद जो है आपका 15 दिन बाद जो है एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी जो है आउट हो लेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका 15 दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा और अब जो है सितंबर में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 1 सितंबर से हो सकता है, 2 सितंबर से हो सकता है। तो आपकी जो भी तैयारी है ना उसे जो है आप 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब आपका जो है गाइस दूर नहीं रहा है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाद में बताऊंगी आपका, क्योंकि जो फिर आपका जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के बाद फिर जब आपका एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम इसका होने वाला है, जैसे कि उनका हुआ था हरियाणा वालों का, इसको होने के बाद फिर मैं जो है आपको पैट का भी बताऊंगी क्या रहेगा, क्योंकि आपका फिर जो है फिज़िकल टेस्ट भी होगा जब आप पास हो जाएंगे, फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इतने सारे स्टेप को कम्प्लीट करने के बाद ही आप जो है इस वैकेंसी को जो है पार कर पाएंगे, ठीक है। बस इतना ही गाइस आज के लिए, इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। कोई आपकी कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो उस पर जो है वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।